सो हे गाइस, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरा नया दर वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं किस तरह से मार्वल मूवी का वीडियो, ठीक है, 4K स्मूथ तरीके से आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए आपको एक ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, उसका नाम है माई2, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ऐप बैन हो गया है प्ले स्टोर से। तो आप क्रोम ब्राउज़र में भी सर्च करके देख लीजिएगा MEITU, ठीक है, इसके बाद आपको वो ऐप मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और उसके पहले बता देते हैं, मेरा वॉइस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, सो अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते। सो फास्ट तो हम वही ऐप को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ऐप, ठीक है। इसको सिंपल सा ओपन करना है, इसका मूड वर्जन नहीं चाहिए, ओरिजिनल वर्जन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी काम हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है इसको ओपन करने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कुछ लिखा है, फोटो कैमरा ब्यूटी, ठीक है, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। सो सिंपल सा हमको वीडियो एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना जो क्लिप होगा, वीडियो क्लिप, उसको आपको ऐड कर देना है। तो सिंपल सा हम यही वीडियो क्लिप को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इफेक्ट वगैरह बहुत ही तगड़ा इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मतलब अच्छा खासा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसके ऊपर टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा राइट साइड में आना है। राइट साइड में आने के बाद यहाँ पे देख सकते इमेज HD क्वालिटी। सो सिंपल सा इसके ऊपर टैप कर देना है, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत ही तगड़ा तरीके से हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऑफ कर देते तो अभी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना सही है, मतलब हम HD क्वालिटी ऊपर क्लिक करके इसके बाद आपको क्या करना है, टिक पे ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। सेव हो जाने के बाद फिर से हमको वही वीडियो फिर से हमको इम्पोर्ट कर देना है, तो यहाँ से, ठीक है। सो फिर से हम एडिटिंग पे चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो, इसको फिर से हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। दो बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के बाद फिर से हम HD क्वालिटी पे चले जाएंगे, यहाँ पे दबाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको होने में। सो हम थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको होने में। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा कर लीजिएगा एडजस्ट, मतलब ब्राइटनेस वगैरह। अभी आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, टिक मार के क्लिक करके आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने के राइट पहले क्लिक करके आप चाहेंगे से तो इसका एडजस्ट टू के तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमको 2K नहीं चाहिए, तो हम सिंपल सा फुल HD पे 60 FPS पे हम सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी आपको दिखाता हूँ इसका ओरिजिनल क्वालिटी कैसा था और अपना एडिटिंग वाला क्वालिटी कैसा हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ओरिजिनल क्वालिटी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। सो अभी आपको दिखाता हूँ हमारा एडिटिंग वाला क्वालिटी किस तरह से हुआ है। सो ये रहा हमारा और मतलब एडिटिंग वाला क्वालिटी। सो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा तरीके से हुआ है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगा तो जरूर